देखो ये देखो देखो मैं टर्न ले रहा हूँ, पहिया कैसे स्लिप कर रही है ये देखो। बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ओ हो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ओ टू ए फंस गया, टूटने का आवाज आया तुम लोगों को भाई। अरे नहीं 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 कोई पूरा आइस टूट गया पीछे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू वीडियो। होप सो बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, खुशखुशहाल होंगे और ताजे ताजे होंगे। क्या हाल है भाई, क्या हाल है, क्या हाल है। देखो भाई गेम भी तुमको हाय बोल रही है। हेलो, मुझे पता है गाइस आज लाइव स्ट्रीम का दिन था पर हमने वीडियो ला दिया। तो चलो भाई होता है कभी कभार, ऐसा अचानक मन हो गया वीडियो लाने का और सोचा स्नो रनर बहुत टाइम हो गया भाई, स्नो रनर खेलते हैं आज भाई, बहुत टाइम हो गया स्नो रनर। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग इस वीडियो में सपोर्ट नहीं दिखाओगे पर फिर भी मुझे वीडियो तो लाना ही है भाई, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिसको स्नो रनर पसंद है, उनके लिए तो लाऊंगा मैं भाई। ठीक है भाई, अभी बोल रहा हूँ स्नो रनर को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। ठीक है भाई, आइस रोड ट्रकर्स बोलते हैं, बहुत टाइम के बाद भाई स्नो वाला मैप लाया हूँ मैं आज। पूरा स्नो वाला मैप है और इतना खतरनाक मैप है ये, तुम लोग देख कर चौंक जाओगे भाई। वो पानी जब बर्फ का रूप ले लेता है पता है, तुमने आइस रोड ट्रकर्स का शो आता था कौन कौन देखता था भाई, वो मुझे पहले सबसे पहले कमेंट बताओ भाई। आइस रोड ट्रकर्स कौन कौन देखता था भाई, माय वन ऑफ माय फेवरेट शो हिस्ट्री टीवी 18 पे जो आता था पहले। ठीक है, आइस रोड ट्रकर्स जो आता था उस पर जो रोड्स होते थे पता है कैसे ड्राइव करते थे वो लोग, पानी बन चुका, पानी बर्फ बन गया होता है, रोड का रूप ले लेता है, फिर ट्रक्स चलाते थे, ट्रक्स फंस जाते थे भाई। वैसा रोड आज लेकर आया हूँ मैं। ठीक है भाई, बड़ा मजा आने वाला है आज की सीरीज में। और हमारे पास आज ये एकदम अमेरिकन स्टाइल, ये इसका कंपनी का नाम भूल गया, डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, हाँ वेस्टर्न स्टार गाइस, वेस्टर्न स्टार का ट्रक है आज हमारे पास एकदम प्यारा। और पीछे हम लोग लोड लेके जा रहे हैं, गैसोलीन लेके जा रहे हैं या कुछ ऐसा ही कुछ है गैसोलीन जैसा। और ट्रक पूरा बर्फ में ढंक चुका है, देखो भाई वाइट वाइट हो चुका है मेरा ट्रक, एकदम फुल बर्फ गिरा हुआ है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। सबसे पहले ये रहा इंटीरियर हमारा भाई, ये घड़ी बहुत बढ़िया पहनता है भाई ये ड्राइवर है। ये देखो आगे हमने स्टिकर्स लगाए हैं आग का, बर्फ में आग तो चाहिए ना इस गाड़ी को गर्म रखने के लिए। ये देखो पूरा इंटीरियर एकदम बेहतरीन। तो भाई बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो फिर ट्रक को ऑन करता हूँ भाई। हाँ ये ट्रक हो चुके हैं ऑन, ऊपर से निकल चुका है धुआं और लेट्स गो गाइस। अभी प्रॉब्लम ये है कि है ना ये जो थोड़ा ट्रक को मैंने घुमाया था, 360 लीटर पेट्रोल है अभी मेरे, डीजल है मेरे पास टोटल कैपेसिटी और 333 लीटर बचा है अभी। तुम लोग देखो ना सिर्फ ट्रक स्टार्ट है उसमें ये 3 लीटर पीट चूस चुका है अभी तक, इतना चूस रहा है ये ट्रक। ठीक है 3 लीटर चूस चुका है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते आगे, ब्रेक को रिलीज करते हैं भाई। और इस ट्रक में मुझे चेन व्हील्स लगाने थे जो आइस पे चलने के लिए होते हैं। मैं पहले ऑल व्हील ड्राइव ऑन कर देता हूँ। चेन व्हील लगाने थे भाई, चेन व्हील नहीं मिले मेरे को। ये देखो गाइस इसको ब्लैक आइस बोलते हैं, जो नीचे देख रहे हो ना तुम लोग, ये ब्लैक आइस है, इसका सबसे ज़्यादा ट्रक्स और सब कुछ स्लिप करता है। सबसे पहले डीजल का ही अगर जगह हो ना तो पहले डीजल ले लेता हूँ गाइस। चलो भाई फ्यूल हो गया है, फूल एकदम फुल हो गया है फ्यूल, मतलब हमारा टंका एकदम फुल हो चुका है। अभी हमें कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ से मुझे लेना है लेफ्ट, नीचे ब्लैक आइस है ना इसलिए ट्रक थोड़ा स्लिप करेगा। और मैंने बोर्ड तोड़ दिया है, कोई बात नहीं। हाँ ये वाली आइस में ना ट्रक ज़्यादा स्लिप नहीं करता, पर इसके नीचे भी है ब्लैक आइस। देखो मैं जैसे चलता जा रहा हूँ ना वैसे ये देखो पहियों के निशान छप रहे भाई। ये गेम का ना फिजिक्स कुछ ज़्यादा ही बेटर है एज कम्पेयर टू ETS भाई। भाई ये गेम खेलने के इससे ज़्यादा मज़ा आता है और तुम लोग सपोर्ट दिखाते नहीं स्नो रनर को। देखो ये देखो देखो मैं टर्न ले रहा हूँ, पहिया कैसे स्लिप कर रही है देखो। यहाँ से स्टार्ट होगा असली आइस रोड ट्रकिंग यहाँ से स्टार्ट होने। देखो यहाँ बोर्ड लगा रखा है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ओ हो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड लिखा हुआ है हमसे भाई साहब। हमको चैलेंज है भाई। चलो भाई वी आर रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। भाई देखो कितना नाजुक है बर्फ, अभी टूट जाएगा ऐसा लग रहा है भाई। 2 मिनट खड़ा रहो तो टूट भी जाए, इसमें ब्रेक लगानी नहीं, एकदम चलते रहेंगे हम लोग बिना कोई ब्रेक लगाए, क्योंकि अगर हमने रुक गए और इधर बर्फ पे वजन गिरा तो पूरा ट्रक नीचे भाई। ओ टूटे टूए फंस गया, टूटने का आवाज आया तुम लोगों को भाई। अरे नहीं 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 कोई पूरा आइस टूट गया पीछे। ओ भाई ओ यहाँ पे तो पूरा लॉल पूरा जमीन में क्रैक पड़ रखा है भाई, खड्डा देखो भाई साहब, वो देखो कैसे आइस टूटती जा रही है पीछे, देखो लॉल। तो बोल रहा हूँ संभाल के चलाना है भाई हमें।
सच्ची अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती है हमारे साथ। बर्फ टूट रही थी भाई, बताओ भाई भाई। इधर इसको थोड़ा लोड पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। यहाँ भी ब्लैक आइस है तो यहाँ भी चढ़ाई में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यस यस यस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट ब्रो, यू कैन डू इट। चढ़ जा भाई, आज सच्ची में नेक्स्ट लेवल वाला आइस रोड ट्रकिंग हो रहा है, रियलिस्टिक आइस रोड ट्रकिंग। ये होता है आइस रोड ट्रकर्स, ये होती है रियल गेम सिमुलेशन गेम फिजिक्स के साथ। ETS भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ ETS एक नॉर्मल सिमुलेशन गेम है, स्नो रनर ऑफ रोडिंग गेम है, तो ये चीज़ स्नो रनर में तुमको मिलेगी। पर अगर ये चीज़ ETS में भी इम्प्लीमेंट हो जाती है ना, तो गेम भाई नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। ETS भी अपनी जगह नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। यहाँ से मुझे लेना है राइट, वापस मुझे ढलान दिख रही है नीचे की तरफ, और कुछ ज़्यादा ही पहिए ढस रहे हैं ब्लैक आइस में। ऑल व्हील ड्राइव पे चला रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सही से चल भी रहा है, और मैं अगर थोड़ी 2 मिनट भी रुक गया ना गाइस, तो पहिए ढसने लग जाएंगे। देखना, जितना हो सके उतना हम चलते रहेंगे। और मैं 360 लीटर लेके निकला था, 60 लीटर जिसने इतनी देर में सूख भी लिया है, बताओ चला निकला ये तो सर। ना डीजल कौन चूसता है भाई, तो हॉर्न देखो एकदम अमेरिकन स्टाइल हॉर्न भाई। यहाँ चेन वाले पहिए होते हैं ना, तो आज एकदम धड़ 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 निकलता मैं। जिस हिसाब से डीजल कम हो रहा है, ये भी लास्ट वीडियो की तरह बीच में ही अटकने वाला है, इसमें कोई एक्स्ट्रा फ्यूल है नहीं। अगर बीच में फ्यूल पंप मिल जाता तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जल्दी जल्दी छूट रहा है ये भाई, कुछ माइलेज ही नहीं दे रहा ये तो। ऐसे भी ऑल व्हील ड्राइव में थोड़ा ज़्यादा ही छूटता है भाई। ये आइस ज़्यादा ख़राब है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक आइस। ब्लैक आइस में थोड़ा स्पीड तो रहता है, तो भाई चलने लायक नहीं है ट्रक। देखो यहाँ से थोड़ा ढंग से चलेगा ट्रक। फिर से गाइस, ये जो चीज़ फिर से आ चुकी है, मतलब ये नदी है गाइस, तुम लोग जो चीज़ देख रहे हो। ओ भाई क्या है, नीचे कैसे उतारू यहाँ से मैं। ओ ओ ओ हाँ गाइस, ये जो देख रहे हो ना, ये नदी है, नदी बर्फ का रूप ले चुकी है, समझ रहे हो तुम लोग, नदी बर्फ का रूप ले चुकी है, और हमें संभाल के जाना है, क्योंकि अभी तो बर्फ टूटी थी, फिर से टूट सकती है गाइस। भाई आप कितना तेजी से चलता है ट्रक, यहाँ स्लिप भी होता है ट्रक, फुल ड्रिफ्टिंग चल रहा है भाई, टोके ड्रिफ्ट। देखो 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 देखो, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, निकल जा निकल जा निकल जा भाई। इतना भारी है मेरा ट्रक, इतना हैवी है लोड ऊपर। भाई सच्ची में आज आइस रोड ट्रकिंग हो रहा है, सच्ची में आज आइस रोड ट्रकिंग है भाई, दिस इज द रियल आइस रोड ट्रकिंग भाई। हर चीज टूटते जा रही है भाई, हर जगह बर्फ टूट रही है भाई। ये देखो यहाँ पे भी टूटने जैसी है एकदम, आराम से आराम से आराम से आराम से भाई। ऐसी जगह रोकेंगे जहाँ बर्फ मजबूत हो। भाई फंस गया, नहीं 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 नहीं, अंदर नहीं भाई, पूरा रोड तोड़ता हुआ आया हूँ मैं। जाम भी होने आ रही है धीरे धीरे, रात नहीं होना क्योंकि रात हो गई तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रोड दिखेगा नहीं हमें। मैं सही तो जा रहा हूँ ना, मैं आइडिया भी नहीं है मैं सही जा रहा हूँ कि गलत। ओ बाप रे, चलो मुश्किल से तो निकल रहे थे, उसके बीच में और पत्थर डाल दो तुम रोड के। ट्रक में पावर तो है, मानो या ना मानो, ट्रक में पावर तो है ना। मशक्कत के बाद भी एकदम मक्खन की तरह निकलती है गाड़ी, तो फिर से सिर्फ रिस्की है गाइस, ये रिस्की है। बड़ी रिस्की चीज है ये, पेट्रोल बचा है, डीजल बचा है 178 लीटर भाई। एक डीजल पंप आ जाओ कहीं भी, फ्यूल ले लूँ मैं थोड़ा। फिर से ब्लैक आइस, मुझे लगा ये कंपनी में भाई कहीं ना कहीं तो फ्यूल पंप होगा भाई, पर यहाँ तो कोई फ्यूल पंप ही नहीं था भाई। भाई कंपनीज में रखने चाहिए भाई फ्यूल पंप। तो बहुत भाई, दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है,
और ना कोई पंछी उड़ रहा है इधर, मतलब ना कोई गाड़ी दिख रही है मेरे को। दूर दूर तक स्नो ही स्नो भाई। भाई एक चीज मुझे कमेंट बताना प्लीज गाइस, बर्फ जहाँ इंडिया में स्नो बहुत कम गिरता है, यानी कि नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में स्नो गिरती है ठीक है, पर अगर ओ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो गाइस सामने देखो, ये हिस्सा देखो, यहाँ पे मैं अंदर गया ना, अगर स्पीड से नहीं गया पक्का ट्रक अंदर धंसेगा ठीक है। मेरा सवाल ये था कि अगर इंडिया में स्नो गिर रही है, सॉरी इंडिया में अगर बारिश हो रहा है तो फॉरेन में स्नो गिरता है क्या, या ठंडी में स्नो गिरती है फॉरेन में? फॉरेन में भी बारिश होती है, सिर्फ स्नो पे काम चलता है, मतलब एग्जाम्पल सिर्फ स्नो गिरता है, मुझे समझाओ यार। भाई अभी 3-2-1 करके थोड़ा पीछे लूँगा मैं और निकलना पड़ेगा। भाई ये भी देखो यहाँ पे भी है ना बर्फ धंसती जा रही है। 3-2-1 करके निकलेंगे भाई बिना ब्रेक लगाए। इस स्पीड से जा रहे हैं हम लोग, धसना मत। देखो देखो कैसा टूट रही है भाई बर्फ। लॉल भाई, अगर मेरे पीछे कोई दूसरा ट्रक आ रहा होगा वो कैसे निकलेगा? फंस गया भाई, निकल 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 निकल। भाई ये चीज ये ज्यादा नाजुक चीज थी भाई, ये ज्यादा नाजुक बर्फ थी भाई। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैप गाइस, खेलने का मजा ही आ गया भाई। और यहाँ से मैंने मैप खोल के देखा तो ये राइट लेफ्ट मैप जा रहा है पता है, ये सॉरी ये राइट लेफ्ट रोड है भाई। मेरे चेन वाले व्हील्स होते, आई एम मिसिंग चेन वाला व्हील भाई। चेन वाले व्हील्स होते हैं ना गाइस, पहियों पे व्हील्स लगते हैं जब आइस वाले डोर्स होते हैं। कितना लीटर में कहाँ तक पहुँचूंगा भाई? ओ ओ ओ ओ ओ ओ अरे 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 सस्पेंशन देख रहे हो भाई ट्रक के? बर्फ देखो कितनी नाजुक है, अभी टूटेगी। आगे कुछ तो दिख रहा है मैप में, 60 लीटर में पहुंच जाओ अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। फिर से बर्फ। एक बड़े बड़े घोल करके जा रहा हूँ। देखो भाई नीचे जो फ्यूल का मार्क है ना वो भी 50 रेड कलर का हो गया। देखो 52 लीटर बचा है भाई। भाई जितना निकलेगा उतना निकलेगा, पर ऐसे जो बर्फ टूटी हुई बर्फ पे मेरा ट्रक में अटका देना भाई प्लीज, टूटी हुई बर्फ पे ट्रक में अटका देना मेरा प्लीज। इतना दूर है भाई, दिखा तो आगे रहा है पर पहुंचूंगा कब? मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं पक्का फंसने वाला हूँ भाई। 42 लीटर में कुछ नहीं होने वाला मेरे ट्रक का, गारंटी के साथ फंस जाऊंगा मैं इधर बीचों बीच समुद्र में, बर्फ बनी हुई पानी को के बीच में फंसने वाला हूँ मैं अभी। यहाँ से मुझे राइट लेना था, रास्ता ही नहीं दिखता है भाई, कहाँ जाना है वो पता ही नहीं लगता है भाई। सीरियसली ये आइस रोड ट्रकर्स वाले सीरीज बनी थी जो, वो कैसे बनी थी भाई? इनको रोड कैसे दिख रहे भाई? भाई मुझे कुछ नहीं दिख रहा इधर, कहाँ राइट है कहाँ लेफ्ट है, मुझे पूरा रोड ऐसे ही दिख रहा है, जहाँ मुड़ोगे वहाँ रोड रहता है भाई। कहाँ लेके जा रहा है ये रोड? देखो भाई 28 लीटर बचा है, कभी भी ट्रक नहीं नहीं इजी, अभी यहाँ से कोई ट्रक गया भाई, देखो पहले से टूटा हुआ है। यहाँ मत फंस, यहाँ मत फंस। इंजन बंद कैसे हो गया भाई? अभी पेट्रोल कम है इसलिए। यहाँ पे मत फंस, यहाँ पे मत फंस भाई, आगे बीच में कहीं फंस जाना पर इधर मत फंसना भाई। शाम भी वापस, शाम तो होने आई है, रात यही बितानी पड़ेगी ठंडी में, ब्लैंकेट वैंकेट लेकर नहीं आए हम तो। अरे नहीं इसमें देखो पक्का कोई ट्रक गया यहाँ से, ये भी टूटा हुआ है देखो। नहीं 17 लीटर बचा है, कृपा करके ऐसे रोड पे हमें ना फंसा दीजिएगा जहाँ से हम निकल ही ना पाए। 14 लीटर, कभी भी ट्रक बंद हो सकता है गाइस, कभी भी ट्रक कल्याण हो सकता है। ये लो भाई खत्म, टाटा बाय बाय, सी आई लव यू सायोनारा पीस आउट। भाई गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो गया भाई आज हमारा, खत्म भाई। 6 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर,
2 लीटर, 1 लीटर, आउट ऑफ फ्यूल गाइस, खत्म भाई खत्म। कि मैंने जहां बोला था मैं ऐसी नाजुक वाली बर्फ पे ट्रक ना अटकाऊ, वहां ही मेरा ट्रक अटका है। अब जो चीज बोलते हैं ना ना हो वही होती गाइस, देख रहे हो तुम। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फ्यूल भी नहीं है, देखो गाइस यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फ्यूल भी नहीं है, ठीक है। मैं पीछे गैसोलीन है पर उसको यूज कैसे करूँ वो ही नहीं पता मुझे, इस गेम में यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो जहाँ नहीं फंसना होता है वही फंसते हम लोग, और यहाँ कोई विंच भी नहीं है तो इसको मैं साइड में लगाऊ, समझ रहे हो, कोई विंच नहीं है इधर ना, मेरे ट्रक में कोई विंच है, कहीं विंच नहीं है गाइस। देखो लगाने का ऑप्शन तक नहीं है, है पर दूर दूर पेड़ लगे, देखो तो बहुत अच्छी जगह हम लोग हमारे ट्रक के साथ फंसे हैं गाइस। अच्छा लगा हमें स्नो रनर में, कोई अनलिमिटेड फ्यूल का मोड दे दो भाई, इसमें डीजल हर बार खत्म हो जाता है भाई, हर बार डीजल खत्म हो जाता है और अटक जाता है मेरा ट्रक। तो गाइस अभी कुछ कर तो सकते नहीं इसके आगे, ठीक है अभी हम लोग उतर जाएंगे ट्रक के नीचे, क्योंकि अब इतना नाजुक बर्फ है देखो कि कभी भी टूट सकती है, कभी भी, ठीक है। टूटने दो इसको भाई, ट्रक को डूबने दो, अभी कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, ना विंच लग रहा है ना कुछ लग रहा, खत्म भाई। चलो तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आइस रोड ट्रकर्स का सीरीज कंटिन्यू चाहिए कि नहीं चाहिए गाइस, मुझे कमेंट बताना मत भूलना, एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बताना मत भूलेगा, लाइक कर देना गाइस एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बहुत कम लाइक करते हो गाइस आजकल तुम लोग, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को अच्छे लग रहे तो, एंड मिलते हैं ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू, सायोनारा, पीस आउट, जय सिया राम।